खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जहाँ कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर की एक जिम्मेवारी दी गई है, वहीं उसके साथ साथ आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं से एक विशेष जिम्मेवारी लगाई है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से तीन तीन चार चार नाम जो है पार्टी के ऑफिस में भिजवाएं, ताकि फिर उनमें से किसको चुनाव लड़ाया जाए कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक उनको टिकट दे करके आगे विधानसभा में इलेक्शन लड़ाया जाए। ये भी आज की मीटिंग में हमने एक फैसला लिया है। जल्दी कार्यकर्ताओं की तरफ से नाम भी जाएंगे और मैं आप सब साथियों को 25 का निमंत्रण देता हूं कि आप भी 25 तारीख आपको हम साधन या मुहैया करा देंगे। आप भी कथन जरूर आएँ, आप अपनी आंखों से देखें कि जो लोग कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमज़ोर कहने की बात करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को इस बात का एहसास 25 को लोग कराएंगे, लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो सदा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। यहाँ बहुत सारे नेता पैदा हुए, बहुत सारे नेता इस पार्टी ने बनाए। बहुत लोगों ने ये मान लिया कि केवल पार्टी जो है हमारे ही बलबूते पर चल रही है, इसलिए इस गलतफहमी के शिकार होकर के पार्टी छोड़ करके चले गए। जो लोग इस तरह की गलतफहमी पाल करके पार्टी छोड़ करके गए, उन लोगों को तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति फिर अपनी उसी तरह की आस्था 25 तारीख को लाखों की संख्या में आकर के फिर व्यक्त करेंगे। और उस दिन फिर ये बताएंगे कि आने वाला कल जो है, भविष्य जो है, वो ये जो 75 पार की बात करने वाले लोग हैं, ये लोग तो 15 नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। लगातार 5 वर्ष हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है। कर्मचारी पिछले 5 साल में कोई एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन लोगों ने चंडीगढ़ की तरफ कुछ ना किया हो। हजारों लोगों ने करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव ना किया हो। बहुत सारे धरने और प्रदर्शन में मैं स्वयं गया, यहाँ तो हजारों महिलाएं जो है आंगनवाड़ी की चंडीगढ़ तक जा कर के गिरफ्तारियाँ दे करके आई। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हजारों हजारों महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया। सच में भी करनाल में हजारों गेस्ट के टीचर और टीचर इकट्ठे होकर के फिर सरकार के खिलाफ आज गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जहां कर्मचारी परेशान हो, कभी रोडवेज के कर्मचारी ने अपना काम काज छोड़ करके, सरकार जब प्राइवेट पॉलिसी लेकर के आ रही थी पीपी मोड के ऊपर, कहीं सरकार अपने चेतों को फायदा पहुंचा रही थी, तो कर्मचारियों ने, खास करके रोडवेज के लोगों ने चक्का जाम किया था। अनेक कर्मचारियों को उस वक्त ऐस्मा लगा करके ड्राइवर धमकाया गया, नौकरी से निकालने की बात की, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा कि हम नौकरी छोड़ सकते हैं, हम जेल में जा सकते हैं, लेकिन हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ सरकार अपने चेतों को फायदा पहुंचाने के लिए जो समस्या खड़ा करना चाहते हैं, हम लोगों की उस समस्या के लिए लड़ने का काम करेंगे। 100% लोग भाजपा को सबक सिखाएंगे, 75 पार वाले 15 पे रह जाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता की तरफ अग्रसर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आने वाली सरकार जो बनेगी उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुत बड़ा चंक होगा, बहुत बड़ा हिस्सा होगा। सर, आपने वो वीडियो उनका देखा था, उसमें बारी बारी वो ये कह रहे थे कि आज मैं जो कुछ हूँ चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल की वजह से, तो आज कम से कम अशोक अरोड़ा जी को ये निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति ने तेरी इतनी बड़ी पहचान बना दी, अगर आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, अगर वो जेल से बाहर आ जाए तो उसके बाद तो चाहे वो मर्जी जो फैसला लेते हैं, लेकिन इस वक्त में जो फैसला उन्होंने लिया वो फैसला केवल स्वार्थ में लिया गया। वो फैसला कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए नहीं लिया गया, वो पार्टी के लिए नहीं लिया गया। अगर पार्टी के कुरुक्षेत्र के लोगों के तैसी होते तो फिर अशोक अरोड़ा, हाँ ये ठीक है कि चुनाव हारना जीतना ये लोगों के हाथ में है, चुनाव हारना जीतना कोई किसी के वश की बात नहीं है। लोग जिसको चाहेंगे उसको विधानसभा में भेजेंगे, लोग जिसको चाहेंगे लोकसभा में भेजेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बात कहकर पार्टी को छोड़ना जो है, आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे बता दो
कि क्या इतनी बड़ी बात कह करके कोई पार्टी को छोड़ करके जाता है तो फिर कहीं स्वार्थ है कि नहीं है। स्वार्थ में अगर पार्टी को छोड़ता है तो वो बड़ा विश्वासघात अपने साथ भी करता है बेईमानी और लोगों के साथ विश्वासघात भी करता है। हमारा कार्यकर्ता तो कभी बैरक में गया ही नहीं। जैसे ही आज घोषणा होगी एक या दो दिन में चुनाव की, हम उसके साथ के साथ हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे और हम सारे के सारे उम्मीदवार जो कार्यकर्ताओं से पूछ करके मैदान में ला करके खड़े करेंगे और 100% लोगों का विश्वास जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला क्या बयान दे रहे हैं मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन अजय सिंह चौटाला जी ने खाप के लोगों के सामने खड़े होकर के कसम लेकर के उनसे वायदा किया था, ये आप खाप के लोगों से पूछो, उन्होंने मुझे बताया कि मैं हर हालत के अंदर इस सारे इशू को रिजोल्व करूंगा और मैं आपके फैसले को स्वीकार करूंगा। आज कोई अगर उस फैसले को नहीं स्वीकार कर रहा है तो इसके लिए खाप पंचायत ही आप लोगों को कुछ बता सकेगी। मेरा फैसला आज भी जो का त्यों है, मैंने पहले दिन कहा था कि जो खाप पंचायत फैसला करेगी मुझे मंजूर है, और मुझे खाप पंचायत के अलावा भी अजय सिंह चौटाला क्या फैसला करे मुझे वो भी मंजूर है। अगर अजय सिंह चौटाला मुझे ये कहेगा कि तू राजनीतिक रूप से घर बैठ जा और इनको आगे होकर के राजनीति करने दे, तो मैं वो बड़े भाई के नाते उसकी उस बात को भी स्वीकार करूँगा। लेकिन अगर अजय सिंह चौटाला कुछ नहीं बोल पा रहे तो फिर आप इस बात का स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि अजय सिंह चौटाला की स्वयं की राजनीतिक हालत आज क्या है। हर हालत में आएंगे, अब की बार भी चंद्रबाबू नायडू आएंगे, SD देवगौड़ा जी का कार्यक्रम बन रहा है वो भी आएंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अखिलेश यादव, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, वो भी इस रैली में आ सकते हैं। शरद यादव हमेशा हमारी रैली में है, हमने बहुत सारे साथियों को निमंत्रण दिए, अगले 2-3 दिन में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हम आपको बता देंगे कि कौन कौन आएंगे।